तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने विंटर की शॉपिंग लेके आई हूँ। तो मेरे चैनल पे आपने शॉपिंग बहुत ही कम देखी होगी, क्योंकि मेरे यहाँ पे जो नर्सरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा दूर है, तो स्पेशली नहीं जाया जाता है नर्सरी में, यहाँ पर पास पास में नहीं है और नर्सरियों के दाम भी ज़्यादा हैं। जैसे जितने भी मेरे गार्डनर फ्रेंड्स हैं वो सब हमेशा दिखाते रहते हैं कि हमने 2 रुपये का ले लिया, 5 रुपये का ले लिया, 10 रुपये का ले लिया प्लांट। तो मेरे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मेरे यहाँ पे सारे प्लांट्स महंगे पड़ते हैं। मुझे ये 35 रुपये का एक प्लांट पड़ा है, और जो कि मैंने विंटर शॉपिंग करी है, तो मुझे भी लग रहा था कि मैं अपने विंटर में फ्लावर्स ऐड करूँ, तो ये सब मैंने ऐड किए हैं, आप देख रहे होंगे। तो ये मैंने पूरा टोटली 600 का प्लांट्स ख़रीदे हैं, तो जिसमें मेरे विंटर के प्लांट्स ही सारे हैं, आप देख रहे होंगे। गजानिया है, बर्बीना है, पेंजी है, ये सब मेरे विंटर के हैं, और ये मेरा डेंथस है। तो ये 2 फ्लावर मुझे उन्होंने गिफ्ट किए हैं, 2 प्लांट उन्होंने कहा कोई भी 2 प्लांट ले लीजिए आप। 600 के साथ उन्होंने 2 मेरे को प्लांट गिफ्ट किया, और मुझे डिस्काउंट नहीं दिया उन्होंने, 30 के हिसाब से मुझे ये प्लांट्स दिए हैं। और जो मैं यहाँ से जो भी मैं लेके आई हूँ प्लांट्स, उनकी सारी मिट्टी मैं रिमूव करके आई हूँ। मैंने रिमूव की है सारी मिट्टी, क्यों? क्योंकि मैं इतने सारी प्लांट्स को मिट्टी के साथ नहीं लेके आ सकती थी। ये मेरा स्टॉक प्लांट है, जो कि आप देख रहे होंगे सारे सर्दियों में चलने वाले प्लांट है। और इस तरह से मेरे सारे प्लांट्स, ये मेरा डॉग फ्लावर है, और वही कॉमन से प्लांट जो हम हमेशा विंटर पे अपने गार्डन में लगाते हैं और हमारे गार्डन की शोभा बढ़ाते हैं, उन्हीं प्लांट्स को मैं लेके आई हूँ। ये है मेरा प्लूटोनिया का प्लांट, प्लूटोनिया की मैं 4 वेराइटी लेके आई हूँ, और ये थोड़ा सा मेरा मुरझा गया है, आप देख ही रहे होंगे, लाइट पिंक कलर का प्लूटोनिया है। तो मैं इसकी जड़ें मतलब मिट्टी रिमूव करके लेके आई हूँ, और ये लेटस का है, जो कि हम लोग सैलड में इसको खाते हैं, वो ये मैं 60 का लेके आई हूँ। और बाकी मेरे जो और प्लांट्स हैं वो सारे के सारे 30-30 रुपीज़ के पड़े हैं, वैसे 35 था, पर भैया मैंने ज़्यादा लिए, तो इस तरह से मैं सारी मिट्टी को रिमूव करके लेके आई हूँ। भैया ने मुझे रिमूव करके दी, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता है कहीं सर, मैं जैसे नर्सरी जा रही हूँ, नर्सरी बहुत दूर है, तो सारी मिट्टी को उठा के लेके आना ग्रोइंग बैग में विद प्लांट, तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो इस वजह से मैं मिट्टी वहीं पे ही रिमूव करके लेके आई हूँ सारी, और मेरे पेटूनिया के प्लांट, विंटर प्लांट सारे। और ये देखिए मैं यहाँ पे रिमूव करके आई हूँ, और सारे ही प्लांट बहुत ही अच्छी कंडीशन में हैं। आई होप जब मैं इसको रिपोर्ट करूँ, क्योंकि मुझे ये रिपोर्ट आज ही करने पड़ेंगे, ये मैं कल लेके आई, जैसे मैं कल लेके आई थी तो मुझे कल टाइम नहीं लगा शाम को, तो मैं आज से इसको रिपोर्ट कर लूँगी। पर कहते हैं कि जब भी आप नर्सरी से, देखो आप लोग ऐसा मत करना, क्योंकि जब भी आप प्लांट्स लेके आओ तो उसको 1 हफ्ते के लिए अपने घर के एटमॉस्फेयर में उसको एडजस्ट होने देना, तभी आप रिपोर्ट करना। पर मेरी तो मजबूरी है, मैं इतनी दूर से जो प्लांट्स लेके आई, तो मैं ग्रोइंग बैग के साथ नहीं लेके आई हूँ, उनकी मैं मिट्टी रिमूव करके लेके आई हूँ। तो ये वाली एक्सपेरिमेंट आप लोग मत करना जैसा मैंने किया है, मेरी मजबूरी है, और मुझे पता है कि मैं संभाल भी लूँगी इस चीज़ को, तो मैं आगे इसको आज ही रिपोर्ट कर दूँगी। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे यहाँ पर पॉट्स पड़े हुए हैं, जो कि मैंने मिट्टी सुखा के उन पॉट्स में मिट्टी डाल के रखा हुआ है, सिर्फ मैंने इन्हें लगाना ही है, उन पॉट्स में रिपोर्ट ही करना है, बाकी सारी मेरी फुल तैयारी है। अगर एक आधा पौधा मेरा निकल भी जाता है तो क्या कर सकते हैं, मजबूरी है मेरी। तो इस तरह से मेरी पेंजी के मैं 4-4 लेके आई हूँ कलर्स, और ये मेरी सारी विंटर शॉपिंग है जो आप लोग देख रहे हो। और सभी लोग करते हैं शॉपिंग, पर मेरे चैनल पे शॉपिंग कम दिखाई देती है आप लोगों को, जैसे पता ही है। और इस तरह से मुझे अपने घर पे प्लांट्स को लाना पड़ता है, और मेरी मजबूरी बन जाती है कि मैं साथों साथ इसे रिपोर्ट कर दूं। तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, अगर आपके पास नर्सरी आसपास है तो उसको अपने घर पे, प्लांट्स को अपने घर पे 4-5 दिन, 1 हफ्ता 15 दिन पहले उसको ग्रोइंग बैग में ही रखो, उसके बाद ही उसे रिपोर्ट करो अपने घर पे, ठीक है? नहीं तो आपका जो पौधा है वो डेड हो सकता है। तो खैर, मेरा ये वाला प्लांट मैंने रिपोर्ट कर लिया है,
थोड़ा इसका ये सूख सा रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे कर देना चाहिए, पर मैंने इसकी पत्तियाँ रिमूव कर दी हैं, बड़ी बड़ी रिमूव कर दी, जो मैं आगे दिखाती हूँ आपको, मैंने रिमूव कर दी है क्योंकि ये थोड़ा सा लेज़ी सा हो रहा था, मुझे लग रहा था ये शॉक में जा सकता है, तो मैंने इसकी बड़ी बड़ी पत्तियाँ निकाल दी, क्योंकि शायद इसकी जो जड़ें थी ना वो थोड़ी बाहर निकल गई थी मिट्टी से, तो थोड़ा सूखने से लग गया था। तो ये देखिए मेरा पेटूनिया का, तो आज दो दिन बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ जो आप देख रहे होंगे। ये देखिए मैंने सारे रिपोर्ट कर दिए हैं, अलग अलग कलर, कुछ खिल भी ले, लेटस मेरा बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए इसको मैंने हटाया नहीं, जिसको मैं ग्रोइंग बैग में लेके आई थी, इनको ऐसे ही मैंने एज इट इज़ रख दिया। ये देखिए मैंने यहाँ पर अपना प्लांट, ये थोड़ा ख़राब हो गया था तो मैंने इसके पत्ते रिमूव कर दिए जैसे मैंने आपको बताया। तो इस तरह से एक मेरा ये प्लांट पेटूनिया का ख़राब हो गया, क्योंकि उसी दिन मुरझा सा रहा था, तो आज ये बिल्कुल ही मुरझा गया है दो दिन बाद। चलो कोई बात नहीं, शायद ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये विंटर फ्लावर है, ये कटिंग से भी ग्रो हो जाते हैं। तो इस तरह से ये बरबीना है, पेंजी है, और आप देख रहे होंगे उस दिन बरबीना मेरा कितना सुंदर लग रहा है, और उस दिन देखो ये वाला जो मेरा स्टॉक प्लांट है इसमें कलियां निकली हुई थी, तो फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई। ये मेरा डॉग फ्लावर है, और ये हैं हमारे पेटूनिया के और गजानिया के प्लांट, तो इसमें भी फ्लावरिंग होगी दो दिन में। देखो ये फ्लावरिंग भी देने लग गए हैं ये प्लांट की, देखिए इस तरह से कलियां बहुत सारी अच्छी बनी, अच्छी कंडीशन में मेरे यहाँ पे रिपोर्ट हो चुके हैं और इन्होंने एडजस्ट कर लिया है। तो अगर मेरी ये शॉपिंग और रिपोर्टिंग आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर जाना, और कोई जो भी न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। सब्सक्राइब करने का मतलब ये होता है कि जब भी कोई मैं नई वीडियो डालूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाएगा, आपको चैनल सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, नोटिफिकेशन के थ्रू आप मेरी वीडियो पे आराम से पहुँच सकते हो। इसीलिए मैं सब हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नए नए प्लांट्स के साथ, नए नए हार्वेस्टिंग के साथ, और बहुत प्यारे प्यारे फूलों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।